हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौंदर्य हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो मेकअप का वीडियो है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ में मैं अपना मेकअप आज करने वाली हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, क्योंकि किसी भी ओकेजन पर आपको बार बार पार्लर भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। एक बार आप सीख जाएंगे, खुद से अपना मेकअप क्रिएट करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही ईजी और सिंपल वे में बताने वाली हूँ। इंडियन लुक है ये और बहुत ही ट्रेडिशनल लुक होने वाला है। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप में सबसे पहले हमें टोनर का यूज़ करना चाहिए। आपके पास जो भी टोनर हो आप उसको लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लम के टोनर का यूज़ किया है। कोई टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर को एज ए टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। गाइस, आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप समझ ही गए होंगे, ऑल टाइम मेरी फेवरेट है ये। सो गाइस, इसके बाद मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर है। स्किन को ग्लोइंग बनाता है, मेकअप को बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है। सो बहुत थोड़ा सा लेना है, नहीं तो फेस हमारा लगाते ही बहुत वाइट वाइट लगता है, लेकिन थोड़ी देर में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और सेट हो जाता है, तो मेकअप काफ़ी अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट हमें लेना है कंसीलर। मेबलिन फिटमी का लिया है और इसको जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि फेस में हमें नीड है, दाग धब्बे हैं, या हमें आई मेकअप करना है, या अपने फेस को जिस पार्ट को हमें एनहेंस करना है वहाँ पे हमें कंसीलर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आँखों के ऊपर, आईब्रो के ऊपर मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि आईब्रो के पास हम जब लगा देते हैं आईब्रो बहुत ही क्लीन हमारी उभर के आती हैं और आँखों के नीचे लगाने से भी काफ़ी अच्छा आई जो डार्क सर्कल को अच्छे से हाइड करता है ये। सो गाइज, आई मेकअप के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हमें एक हल्के हाथों से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ेंगे, नहीं तो ये सारा जो हमने लगाया है वो निकल जाएगा, तो सॉफ्टली करेंगे। इसके बाद आँखों का भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे क्योंकि आई मेकअप करने के लिए आँखों के ऊपर हमें कंसीलर लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद जब कंसीलर अच्छे से लग जाता है तो हम इसको सेट करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। गाइज, तो यहाँ पर मैं लैक्मे का 925 कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। सो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये पर्ल का है, ये लिक्विड हाइलाइटर है। आप अपने मेकअप को अच्छा लुक देने के लिए, ग्लोइंग मेकअप बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको लगाते ही आपको लगेगा कि स्किन में एक शाइन आ गई है, बेजान चेहरे में एक जान सी आ जाती है। लेकिन गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें इसका, बहुत ही कम क्वांटिटी लगानी। आप चाहें तो इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे फेस पर इसको नहीं करना था, कुछ कुछ एरिया में ही अपने फेस को करना था हाईलाइट, तो उसी उसी जगह पर मैंने लगाया है। और एक फाउंडेशन को पूरे फेस पर और नेक पर हमें लगा देना है। जब भी मेकअप करेंगे अपने नेक का पूरा ध्यान रखेंगे कि उसको भी इक्वली हमें सब कुछ करना है, ऐसा नहीं करना है फेस पे सब कुछ लगा लेंगे और गर्दन को छोड़ देंगे, नहीं तो हमारा फेस अलग लगेगा और हमारी नेक लगेगी यार किसी और की है। तो जब भी आप मेकअप करें तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अभी देखिए मैंने लगाया है, जो प्रोडक्ट लगाया है तो आपको लग रहा होगा कि मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गया, लेकिन ये थोड़ी देर में ही स्किन में सेट हो जाता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। सो मैंने ये वाला मेकअप आपके साथ शेयर किया है। अब ये मेरे फेस में अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ब्लेंड ज़रूर देर तक करिएगा, एकदम से ब्लेंड करने में तुरंत स्किन में नहीं जाता है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है और स्किन में अच्छे से सेट हो जाता है। कॉम्पैक्ट की हेल्प से आप इसको पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर दें। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो एक नॉर्मल टेप होती है घर में जो होती है, बस वही वाला टेप लिया है, उसको दो हिस्सों में कट कर लिया है बीच से और अपने आई मेकअप के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आई मेकअप करने के लिए मैंने जो मैंने ड्रेस डाला हुआ है गाइस रेड कलर का, तो उसी कलर को मैंने अपने कट क्रीज पे रख के ऊपर की तरफ मैंने ब्लेंड करना है, ताकि मेरा जो आई मेकअप है मैं दो कलर में करने वाली हूँ। जैसे मैंने मेरी साड़ी में गोल्डन जो बूटी बनी हुई है, तो गोल्डन मैंने आगे रखना है और पीछे की साइड में मैंने ये रेड कलर रखना है, तो मैं उसी को करने की मैंने कोशिश की। आई होप आपको ये पसंद आए और मैं भी ना कुछ कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ कि ताकि मेरा मेकअप अलग लुक दे। हमेशा एक जैसा ही करना नहीं मैं चाहती हूँ, तो थोड़ा सा अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ, तो कई बार बहुत अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। सो गाइज, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। सो मैंने कोशिश की है। इसके बाद मैंने कंसीलर लगाया है और जो जहाँ पे मैंने कट क्रीज रखना है वहाँ पे मैंने कंसीलर लगा दिया है, ताकि आगे का जो पार्ट है वो मैं गोल्डन रखूँगी, तो उतना ही पार्ट हमें लेना है कंसीलर के लिए। और जब कंसीलर लगा देंगे उसके बाद ही हमें एक येलो अपना आई शेडो लेना है और वो इस पर लगा देना था, उसके बाद ही हमें लगाना था लिक्विड आई शेडो। सो गाइज, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लिक्विड जो है ना, मैंने फर्स्ट टाइम अभी ट्राई किया अपने मेकअप में, पहले मैंने दूसरे दूसरे ग्लिटर वाले ट्राई किए थे, तो ये वाला मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अच्छा लगा और इजी है अप्लाई करना, तो मैंने कुछ टाइम पहले इसको मंगाया था। इसके बाद मैंने लगाया है मेबलिन का आईलाइनर है गाइज, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट इसका जो एप्लीकेटर है
वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। जैसे कुछ जो होते हैं ना ब्रश, उनका जो कॉर्नर करने में काफ़ी मोटे मोटे से होते हैं, लेकिन ये वाले बहुत ही, इसका जो एप्लीकेटर है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और अप्लाई करने में बहुत प्यारा सा लुक आ रहा था। पेन लाइनर भी यूज़ किया था, लेकिन पेन लाइनर में जो एक काफ़ी मोटा सा था जो मैंने पहले यूज़ किया था, तो अभी मैंने जो ये नया मंगाया है इससे यूज़ करना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप अगर बिगनर है ना तो ये वाला जो मेबलिन का आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इसकी जो नोक है ना बहुत ही बढ़िया है, कॉर्नर वगैरह बनाने में मतलब आर्ट जैसे हम करते हैं ना उस तरह हो जाती है। अब नोज़ को कॉन्टोर करेंगे गाइस, तो नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए मैंने दोनों साइड से कॉन्टोरिंग की है, और जो बीच का जो हमें हड्डी होती है उसके पास से ही हमें लाइनें खींचनी होती है, और बीच का एरिया हमें उभार देना होता है ताकि हमारी नोज़ थोड़ी स्लिम नज़र आए। अगर आपको नीड है कॉन्टोरिंग की तो करिए, कुछ जो लोग होते हैं उनके फेस ऑलरेडी बहुत स्लिम होते हैं तो उनको शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉन्टोर करने की, लेकिन अभी इस लॉकडाउन में मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है तो मैं काफ़ी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। और जो मैंने ब्लश यूज़ किया है इस बार, मैंने इंस्टाग्राम स्टाइल में अपना ब्लश किया है। हमेशा मैं थोड़ा सा कम ब्लश करती थी, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे फिल्टर पड़ता है ना, मैंने सेम उस तरह का ब्लश करके देखा है कि कैसा लगता है, तो मुझे, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी इसके साथ में कि हाँ ऐसा भी जब हम ब्लश करते हैं तो एक नेचुरल लुक आता है। वो हम अलग से जो गालों को पिंक पिंक दूर दूर से कर लेते हैं ना, वो थोड़े से अलग अलग से लगते हैं, तो ये वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग भी अपने मेकअप में ट्राई करके देख सकते हैं, तो मैंने भी आज ट्राई ही किया है कि देखती हूँ कैसा लगता है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, तो हाइलाइटर यहाँ स्विस ब्यूटी का है गाइस, जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो हाइलाइटर लगाने के बाद थोड़ा फेस और अच्छा लगने लगता है, तो जहाँ जहाँ पे हमारे जो पॉइंट होते हैं हाईलाइट करने वाले, वहाँ वहाँ पे अपने को ज़रूर चिन पे है, आईब्रो पे है, तो फोरहेड पे है, वहाँ वहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करें, और लिपस्टिक अपने जो मैंने ड्रेस डाला हुआ उसके अकॉर्डिंग लगाई है। और आप देख सकते हैं गाइस मेरी ज्वेलरी भी, मैंने कॉम्बिनेशन रेड एंड गोल्डन है, उस कलर की ज्वेलरी डाली है और रेड कलर की चूड़ियाँ डाली हुई हैं। तो गाइस फाइनल लुक मेरा रेडी है, और आप देख सकते हैं कि घर में ही खुद से जब हम तैयार होते हैं तो आपको एक अलग सी खुशी मिलती है कि हमने खुद से किया है। तो इस तरह का मेकअप करके आप किसी के बर्थडे में, आप न्यूली मैरिड हैं तो भी आप घर में कर सकते हैं, या किसी फंक्शन में भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको किसी पूजा में करना है तो उसमें भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप है, सिंपल लुक है ये, और आप चाहें तो जूड़ा वगैरह बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।